हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ वर्ल्ड वाइड अवेयर्स में। हम में से कई लोगों ने उड़ने के बारे में सोचा था, पर हर कोई एरोप्लेन की टिकट अफोर्ड तो कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक चाहत थी कि लोग चाहते थे कि वो हवा में उड़े। एरोप्लेन के अलावा खुद का अगर प्राइवेट जेट ना हो तो खुद की अगर कोई उड़ने वाली कार हो जाए तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोगों का सपना अवश्य नेसेसरी मैंडेटरी पूरा होने वाला है अगले 2 से 5 साल के बीच में। और मैं आपको प्रूफ दूंगा, मैं आपको वीडियो फुटेज दिखाऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो अब जो आप कार देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था एक एविएशन इंडस्ट्री में कंपनी ने, एविएशन कंपनी ने, जिसका नाम था कैलिन विजन। और ये कहाँ की कंपनी थी? ये स्लोवाकिया की कंपनी थी सर। तो सर, इसने पहली जो उड़ान भरी थी सर, इसने स्लोवाकिया में, एक सिटी है निट्रा, और स्लोवाकिया कैपिटल है ब्रतिस्लावा। तो इसने स्लोवाकिया के निट्रा सिटी से लेकर ब्रतिस्लावा तक इसने सर उड़ान भरी थी। और जो इसने सर उड़ान भरी थी, उसमें कितनी दूरी इसने तय करी थी? इसने 60 माइल्स की दूरी तय करी थी। तो ये पहली उड़ने वाली कार बनी थी जो स्लोवाकिया के नाम जाती है। और स्लोवाकिया को, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कि यूरोप में स्लोवाकिया को कार मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनियां वहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको 2-3 कंपनियों के नाम बता देता हूँ, जैसे जैगुआर हो गया, लैंड रोवर हो गया, और वॉक्स वैगन हो गया। तो दोस्तों, आप पहले देख ही रहे हो स्क्रीन पे कि कारें कैसे उड़ रही हैं। तो दोस्तों, एक इवेंट हुआ है 2022 में 10 से 13 तारीख के बीच में, जिस इवेंट का फुल नेम है सर GITEX, जिसको आप GITEX ही बोल सकते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? इसकी फुल फॉर्म है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। अब ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिर्फ अमेरिका की किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये कोई भी नाम ले सकता है। तो दुबई में भी एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है। अब इस इवेंट में होता क्या है? ये सर एक इवेंट है जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। और ये जो इवेंट होता है, इसमें अब की बार जो हुआ है, अभी 10 से लेकर 13 तारीख के बीच में हुआ है, 10 से 13 अक्टूबर 2022 के बीच में। तो अभी इसके अंदर हुआ क्या है सर? इसके अंदर 3,500 एग्जीबिटर्स ने, प्रदर्शनकारियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 140 कंट्री के लोगों ने भाग लिया है। अब ये एग्जीबिशन जो हुआ है, जो ये इवेंट हुआ है, इसके अंदर किस तरह का इवेंट होता है ये? इसके अंदर सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, ये उसके जस्ट एग्जाम्पल हैं फ्यू। तो एक कार ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उस कार का, मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूँ कि उस कार में ऐसा खास बात क्या थी सर। तो सर, ये जो कार थी, ये 1,000 मीटर तक आप ऊंचाई तक उड़ा सकते हो, और ये 2 सीटर कार है। लंबाई इसकी 5 मीटर है, और जो इसका वजन है वो 560 kg है। और आप इसको एक बार चार्ज कर लोगे तो सर ये 35 मिनट तक हवा में रह सकती है। सेफ्टी के लिए इसमें सेफ्टी पैराशूट भी लगाए हुए हैं। और ये सर 130 किलोमीटर प्रति घंटे, तो सर ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की आप स्पीड से इसको उड़ा सकते हो। तो मैं अब आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ, आगे जो वीडियो होगी आप उस वीडियो को देखिएगा। इसी कार को, जो आगे जब तक ये वीडियो एंड नहीं होगी, उसी कार को एग्जीबिशन में दिखाया गया है। तो सर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपसे सिर्फ यही एक सिंपल रिक्वेस्ट है, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो लाकर आपको दे सकूं। और इसकी कीमत के कार के बारे में किसी को बताया नहीं गया है, और ये 2024 तक ये बता रही है कि ये कंपनी अगले 2 से 3 साल के अंदर ये मार्केट में उतार देगी सेल करने के लिए, कि अगर आप इसे बाय कर सकते हैं। और फिर भी किसी रीज़न से सेफ्टी से कुछ हादसा हो जाए तो सर इसके अंदर पैराशूट लगा हुआ है। तो चलिए, मैं आपको वो वीडियो शूटेज दिखाता हूँ, इन्जॉय करिए। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके आप अपने साथ बैठ जाइए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।